अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू सैरिश खान न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक ठाक और मेरी सारी फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक आप सब की दुआओं के साथ। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज है जुम्मे का दिन, तो आज मैं टाइम से टूट गया था। पीछे देखिए अभी जुम्मा पढ़ के आए हैं, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ व्लॉग बनाते हैं, शेयर करते हैं अपनी फैमिली लाइफ के कैसे गुजरती है अपनी फैमिली लाइफ। तो आज आपको दिखाते हैं कि हनी आपको पता है काफ़ी ज़्यादा पार्ट अपने उतार देता है, तो पापा ने इसके लिए बनाया है एक ज़बरदस्त नुस्खा। दोस्तों ये हनी जो है ना हमारा, पहले इसे निकालते हैं बाहर, तो फिर आपको दिखाते हैं, फिर आपको सही पता चलना है। हनी बाहर आ जा, ये अब तंग कर रहा है, आ गया बाहर। पहले ये देखे इसके ना सारे सीने से देखे, इसने अपने बाल उतार दिए है। जो लोग भी हमारे भी लोग के ऊपर नए आने वाले हैं ना, उन्हें तो पता नहीं होगा कि हमारे पास कितने ज़्यादा परिंदे थे। वो पीछे वाला व्लॉग लास्ट में देखना, उन्हें पता चलेगा हमारे पास इतने ज़्यादा परिंदे थे। तो अब सब सेल कर दिया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को पता होगा गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। और रोज़ाना ना 5-6 5-6 5-6 एक्सपायर हो जाते थे, किसी काम के नहीं थे, एक्सपायर हो जाते थे, मर जाते थे। इसलिए फिर पापा ने सोचा, पापा कहते ऐसे एक एक करके सारे मर दिए गए, इससे अच्छे के परिंदे सेल कर दे, इसलिए परिंदे सेल कर दिए। अब सिर्फ हमारे पास चंद तोते हैं, सिर्फ चंद। दोस्तों चंद परिंदों के अंदर एक पापा का ये जो उनसे ना पसंदीदा पेयर है, एक ये है और एक ये हमारा मिट्टू का जोड़ा, जो कि अगले साल इधर इंशाल्लाह होगा ऊपर कलोनी के अंदर, जिस कलोनी के अंदर बजरी थे। और एक चिंटू है और सहरिश के रैबिट, जिन लोगों को नहीं पता वो देख ले। ये शहरी अपने खरगोश लेके आई थी, कहते मुझे ये बहुत प्यारे लगे, आपने देखा ही होगा जब हम लोग परिंदे बेचने गए थे। तो करना क्या, ये पानी पापा ने बनाया है। दोस्तों ये जो पानी है ना, ये पेट्रोल नहीं है, ये नीम होती है, नीम का पानी है, नीम का जैसे कावा बनाया है। तो ये हनी को लगा रहा है, ये बहुत ज़्यादा कड़वा होगा, तो ताकि हनी अपने पर उतारेगा नहीं, जब भी चूंज लगाएगा अपने पड़ों के साथ तो इसे कड़वाहट महसूस होगी, तो ये छोड़ देगा। अब इरादा तो यही है कि छोड़ दे, बाकी देखते हैं कि क्या होता है। वीडियो पे नए आने वाले प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाए, चैनल पे नए आने सब्सक्राइब लाजमी करके जाया करें। ऐसे अच्छा नहीं लगता कि आप लोग वीडियो देख जाते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, ना लाइक करते हो, और फिर अच्छा भी नहीं लगता कि मैं भी व्लॉग बना के पोस्ट करी जो पोस्ट करी जो, ना आप लाइक करो ना सब्सक्राइब करो, बस देख के और जाई जो, ऐसे नहीं फिर मज़ा आता। जल्दी से काम स्टार्ट करते हैं अपना। दोस्तों अभी ये पानी डालना स्टार्ट करते हैं, इसका पहले प्रेशर सेट करना है। ये हो गया प्रेशर सेट, ये ना अपने मुंह के ऊपर लगाई जा रहा है। ये बहुत ज्यादा कड़वा पानी है, बहुत ज्यादा। जल्दी से इसे अच्छी तरह नहला के फिर मिलते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं हनी को नहला दिया, और इस पानी का इतना ही गंदा जैक है ना, इतना गंदा जैक है, मेरे मुंह के अंदर थोड़ा सा लग गया, बहुत ही गंदा जैक है। अब बाकी तोतों को डालना है फल, मिठू को डालना है, चिंटू को, हनी को, मिठुनी को, और इनको डालने हैं चने। और इनका एक ये छोटा सा बच्चा है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत ज्यादा शरारती है, ये देखना, ये देखिए मेरे साथ लड़ता है। ये देखे ना हनी का हशर क्या हो गया हुआ है नीचे से, ये हनी का सारा सीना देखे। अभी मैंने इसे नहलाया अच्छी तरह से, अब जब ये अपने पार उतारेगा ना, इसके जुबान के ऊपर इतना गंदा किस्म का जैक आएगा ना नीम का, कि ये उतारने की दोबारा कोशिश नहीं करेगा। ये देखे दोस्तों मामा ने ना सबको फल काट के दिया, ये सारे तोतों का, जिसको मर्जी जो उनका मर्जी लगा दें। ये अब छोटे जो उनसे तोते हैं ना, उनको मामा ने चने पीस के देने हैं, जिसके साथ अभी मैंने झगड़ा किया, जाके लगाते हैं। ये छोटे परिंदे जो उनसे है ना, ये जैसे कि ऑस्ट्रेलियन, इनके लिए वो दूसरा खाना है इनका,
पहले ये हनी का, क्योंकि हनी इतना ज्यादा नहीं खाना खाता, हनी थोड़ा सा खाता है हमारा। ये दूसरा आ गया, ये मिठू का, क्योंकि ये ज्यादा है। ये मिठू मिठू नहीं, ये वाला करते हैं चिंटू का, और ये वाला हनी का, क्योंकि ये वाला काम है, ये वाला काम है दोस्तों, या ये वाला काम है, पता नहीं कौन सा काम है, जो सा मर्जी लगा देते हैं। बैठते हैं नीचे, मिठू नहीं सामने चले जाएगी क्योंकि वो डरती है थोड़ा सा हमसे, पता नहीं क्यों। मिठू नहीं आके खाना खा ले, एक लगा दी। मिठू तू आ जा, ये देखना मिठू ने बाकी आने। अब मिठू भी आ गए, मिठू नहीं हमारा डरता, ये आगे खाने लग देगा। इसके अंदर आम है, गाजर, सेब और आड़ू है, और चने है, और बंद गोभी है। बस ये हमारी हनी की होगी, हनी खा दे, और ये हमारे चिंटू की होगी। अब इनको सिर्फ पानी डालना है, बस हमारा काम हो गया खत्म। मिठू मिठू दोस्तों, अभी सब परिंदों को खाना डाल दी। ये देखे ना मेरे पीछे चिंटू बैठ के खा रहा है अभी अपना खाना, चने खा रहा है अभी तो, वो फल उसने सारा नीचे फेंक दिया देखे। और दोस्तों माशाल्लाह से बाकी सब परिंदे बैठ के इस टाइम खा रहे, ये सामने देखे, ये भी खा रहे बैठ के, मिठू भी खा रहा है, मिठू ने भी खा रही है, हनी बस नहीं खा रहा। और अभी खरगोशों को भी डाला, ये भी खा रहे हैं माशाल्लाह से। ये देखे ना इनको भी, जो इनको डालते हैं वो इनको भी डालते हैं। ये देखे माशाल्लाह से कैसे खा रहे हैं। हनी हमारा सूख भी गया जल्दी से, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी है, हनी सूख भी गया। आवाज देते पापा, लाई लाहा। पाइया तो नहीं करते मिठू को, काकाटू काकाटू काकाटू। दोस्तों अभी दानिश आया है खरगोशों को ऊपर लेकर, और इनको घास नीचे से ला के डालते हैं। घास इनके लिए बहुत ज्यादा लेके आया था बाहर से, ये भाग ही नहीं रहे, भाग गए। दोस्तों अभी ये घास का छापड़ आ गया, ये घास बहुत ज्यादा है, मेरा ख्याल है कि ये खाएंगे। अब आगे देखते हैं, ये घास जो है ना, ये ताजा घास है, ये हो रही है थोड़े से पत्ते हैं, ये पत्ते भी बेशक खा ले, इनको डालते हैं। ये देखे ना, चल ले जाके खा, चल चल जाके खा। एक वो बैठा है, इसको भी इधर करते हैं, वो देखे ना एक तो खा रहा है। चल 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 उधर जाके खा, चल 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 चल, जल्दी हो, जल्दी तेज हो जरा दोस्तों, तेज हो, तेज जल्दी हो, जल्दी। दोस्त आगे नहीं जा रहा हमारा, दोस्त जाओ जाके खाओ। वो देखे पत्ते भी खा रहे हैं ये। दोस्तों जितना भी घास था ना सारा निकाल दिया, क्योंकि इन्होंने सुबह तक तो हो जाना खराब। एक दो और तीसरा पूरा आ गया, तीसरा भी इधर। अब ये वाला घास खा रहे हैं, ए जाके खाए। वो देखिए उसे देखे, उनकी स्पीड बहुत तेज है।